जो बच्चे खेलते हैं पबजी लिमिट से ज्यादा और पढ़ाई के टाइम पर मस्ती करते हैं क्लास में, वो जरा ख्याल कर लिया करो अपने माँ बाप का भी, जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं तुम्हारे अच्छे जीवन की आस में। पापा मेरी जान हरदम रखना। तो भैया पुराना वाला इवेंट तो गायब हो गया, काहे कि नया अपडेट आने वाला है, तो इसलिए आज हम लोग खेल रहे हैं क्लासिक रेंगल। और सच बताऊं तो ये मैच अलग ही लेवल का है यार, क्योंकि आगे चल के मैच सोलो वर्सेस स्क्वाड हो जाएगा और तब मैं जिस तरीके से सरवाइव करूंगा वो देख के आपको बहुत मजा आएगा। पर फिलहाल मैं आज काफी दिनों के बाद उतरा हूँ मिलिट्री बेस, तो चलो खत्म करते हैं यहाँ के सारे केस। अब यहाँ उतरते ही मैंने किल की बहनी अपने सम्मानी अन्मी बोर्ड दादा को निपटा के की, लेकिन उतने में ही ये होता है। उनको छोड़ो, अपन चला पीछे मारने। ये क्या है यार, क्या कैंपिंग है यार, क्या कैंपिंग है भाई। पता नहीं तू कौन सा नशा करता है जानू साले, तू हर एक मैच में मरता है। तो यार यहाँ पे उतरते ही जानू की पेटी बन जाती है, यानी कि एकाध दो किल चोरी होने का खतरा टल गया। फिलहाल अब ये देखो, हेल्थ बढ़ा रहा डब्बे के पीछे, यहीं कहीं बैठा है ये। कैंपर मारो इसको। तो क्या आप भी बिजमाई टूर्नामेंट खेल के रोज के 50,000 रुपए कमाना चाहते हो? अगर हाँ तो इस पार्ट को मिस मत करना। ए भाई बताना बताना, भाई 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 मेरा भाई। तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और अभी तक इन्होंने 8 करोड़ की बिनिंग बांट चुके हैं। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको काफी टाइप के टूर्नामेंट्स मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिसमें 0% बेटिंग टाइम है। और सबसे मजेदार बात, इस ऐप में कस्टम रूम की जरूरत नहीं है, बस आप अपना क्लासिक रैंक मैच खेलो जैसे रोज खेलते हो और सो स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली आपके किल डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा, तो है ना कमाल की चीज। और एक प्रॉमिस मेरी तरफ से कि आप यहाँ पे रोज बीजमाई खेल के गारंटेड पैसे जीतोगे। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीज इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। सो स्ट्रॉन्ग का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड करो और तुरंत आपको 600 रुपए का साइन अप बोनस मिल जाएगा, जिससे आप टूर्नामेंट भी खेल सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से जाओ अभी साइन अप करो। अब आप बोलोगे पैसे जीत तो गए फौजी भाई, पर निकालेंगे कैसे? तो भैया फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और कोई भी यूपीआई ऐप से तुरंत निकाल सकते हो यार। मोगेम्बो खुश हुआ। तो देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट और जीतो 50,000 रुपए डेली। लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मारो इसको। अब देखो यार, मुझे पता नहीं है कि ये बातें बतानी चाहिए नहीं, लेकिन सच बताऊं तो कल मैं बहुत दिनों के बाद नहाया था और नहाने के तुरंत बाद ये मैच खेल रहा था, उस वजह से मेरा दिमाग भैया दो गुना चल रहा था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो कुल मिला के ठीक यहाँ से तुम्हारा भाई बुद्धि का प्रयोग कुछ ज्यादा ही करने वाला है। पर फिलहाल सीन ये होता है कि सामने की तरफ कुछ बंदे मुठभेड़ कर रहे थे, तो मैं सीधा यहाँ जाता हूँ और तभी मुझे गोलियां चलने की आवाज आती है। अब यहाँ पे मैंने एक ठो किल चुरा ली थी और एक को नॉक कर दिया था, पर जिसको नॉक किया था उसको उसका टीममेट बचा लेता है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं ऊपर जाता हूँ तभी ये सीन होता है। लो ना डीपी चलाओ ना यहाँ पे लॉन्ग रेंज में। मैं तो जब तक कंट्रोल से मारा जब तक आप इधर बैठे हो। लॉक हो तो बता देना, मैं अब तक कंट्रोल जमा रहा हूँ।
अब देखो मैं नॉक तो कर रहा हूँ लेकिन रस नहीं कर सकता, काहे कि गाड़ी घोड़ा के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। और अगर पैदल पैदल खुल्ले से गए तो वो एमके वाला बोलेगा माय नेम इज बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। एक बाजू में आया फुट आई, पीछे आया एक। अब जिसकी फुट आई वो तो हमारे सम्मानीय आदमी बोर्डदाता थे, तो मैंने बोला उनको थोड़ी देर टहलने दो, अपन सामने वालों पे ध्यान देते हैं। इसको मारो, ये नीचे बॉट है क्या? किधर है? मार करना गाड़ी के पीछे। कौन सी वाली गाड़ी? बग्गी मार रहा है सामने। मेरे जैसे गरीबों का हक दबाए बैठे हैं, कुछ बाबू यहाँ दो दो लड़कियां पटाए बैठे हैं। साले कुछ दया दृष्टि करो, जिससे पूछता हूँ वही बोल देती है आई हैव बॉयफ्रेंड। खैर ये तो रही मेरे दिल की बात, अब बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो भैया मिलिट्री बेस में सिर्फ इतने ही बंदे थे, तो इन सबको हमने निपटाया और फिर यहाँ इमरजेंसी किट का यूज करके हम लोग उड़ गए पोचंकी की तरफ। लेकिन जैसे ही हम लोग पोचंकी में लैंड होते हैं, उतने में मुझे एक बग्गी की आवाज आती है। अब ये आवाज सुन के मैंने सोचा कि बोट फायर करूं, का पता वो लोग वापस आ जाएं। और फिर एक नंबर मेरे भाई। भाई साहब क्या मारा है यार भाई। बहन की सारी इच्छाएं पूरी करता है ब्रो, और फौजी जैसा नहीं है कोई प्रो, और भैया हो भी नहीं सकता, काहे कि बोट सकेम करके इनको मारा हूँ। फिलहाल इनको निपटाने के बाद हम लोग पोचंकी से आगे की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन उतने ही में हमें गाड़ी की आवाज आती है। जी जा रही गाड़ी, जा रही। दो दो मेरे को, दो मेरे को ड्राइव दो। बहुत बढ़िया भाई। अब गाड़ी में मुझे दिखे थे दो बंदे, जिनमें से एक नॉक था, तो मैंने सोचा एक और ही बचा है, चल के मार देते हैं। लेकिन नहीं, उधर कर रहा हूँ। अरे रे रे यार ये क्या, हेल्थ बढ़ा लो इजी। तो अब बचा हूँ मैं अकेला और सामने अभी भी दो बंदे हैं। एक साइड। अरे बहुत बढ़िया यार, 1v4 यार, इजी यार। तुझे नहीं पता तू खड़ा किसके सामने और किसे गाली दे रहा, पहुंच बहुत तगड़ी है मेरी और तू हल्के में ले रहा। तो यार फाइनली इस टीम को भी निपटा दिया, तो कमेंट में बताना साच कैसा लगा ये क्लच। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना यार। वैसे मुझे पता है कि इस बात को आप लोग इग्नोर कर दिए होगे, पर हो सके तो जल्दी से करा दो 16 लाख के पार, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है यार। सामने बंदा। अब सामने एक बग्गी थी लेकिन वो चली गई, तो मैंने सोचा कि एक बार और बोट फायर करके देखा जाए, का पता वो आ जाए। लेकिन वो अकेला था तो मुझे लगा नहीं कि वो आएगा, पर देखो आगे। वो पना मत लूटना, वो यहीं होल्ड किया है। आ गया। बहुत बढ़िया मेरे भाई, कसम से बहुत बढ़िया। भारती लगाते हैं जय हिंद का नारा, फौजी पबजी में तोड़ता है सबका पिछवाड़ा। तो इन चाचा को भी मैंने निपटा दिया और फिर मैं यहाँ से लूटा लाटी करके बिंदास आगे की तरफ जा ही रहा था, लेकिन उतने में ये सीन होता है। हाँ?
अरे 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 भाग जा उठ के। वो तो अच्छा हुआ भैया ऐसे ये नहीं पता था कि मैं बन एचपी में हूँ, वरना वो रस करता और यहीं लेटे लेटे मेरी समाधि बन जाती। अब सामने बंदा था तो मैंने चमकाने के लिए उसको बम को किया ताकि वो बम की आवाज सुन के सीधा मेरे ऊपर रस करने लगे, लेकिन वो उल्टा पीछे भाग गया। तो फिर मैं भी उसका पीछा करता हूँ और काफी देर तक उसे ढूंढता हूँ, लेकिन जब वो मुझे नहीं मिलता तो फिर मैं थक हार के यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और उतई में ये सीन होता है। ओपन में अरे एम के थी रे बच गए। डैमेज हुआ शायद वो भागा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया यार। एक बार कह के देखो, जान देने को तैयार हूं मैं। कि एक बार कह के देखो, जान देने को तैयार हूं मैं, और भूल मत जाना मुझे, आखिर बचपन का प्यार हूं मैं। तो यार इन चाचा को भी निपटा दिया, लेकिन दिक्कत ये हो गई, अब किल हो चुके हैं 17, कहीं कंटेंट में ना आ जाए खतरा। हाँ यही दिक्कत हो गई। तो भैया मैं 17 के खतरा को टालने के लिए यहाँ से निकल जाता हूँ और काफी देर तक बंदों को ढूंढने के बाद जैसे ही मैं गटका आता हूँ तभी मुझे बीच वाले घर से फुटस्टेप आती है। तो देखो यार आगे क्या होगा। नाइश, इसको कंफर्म कर लो, 18 किल कर लो। वो साइड चला गया होगा, उस साइड वाले कमरे में। जल गया। ना 5 का एमओ ना 7 की गोली, जिससे तू मरा वो फौजी की मौली। अबे यार इस बंदे को नॉक करने के बाद मैं सीधा रश करता हूँ, पर उतना ही में मुझे सामने वाले घर से फुटस्टेप आती है। नेड कर रहा हूँ, उसे कीजिए। अंदर आ गया। खत्म। बाय बाय। टाटा। आपने गलती करी ना आपको। पानी कम है मटके में, बेइज्जती कर दी एक झटके में। साला शुरू से लेके लास्ट तक एक नंबर खेला, सिर्फ 3 ही बंदे बचे थे, सोचा इनको मार के चिकन डिनर करूंगा और आपकी नजरों में हीरो बन जाऊंगा। लेकिन जब भी मैं हीरो बनने वाला होता हूँ, साला कोई ना कोई आके जीरो बना देता है। खैर कोई ना, जो गलत है वो ही चलत है। पर फिलहाल आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।